हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम चले बाहर और आज का दिन बहुत खास है। वो क्यों है वो आपको वीडियो में पता चलते जाएगा। तो हम अभी जा रहे हैं बाहर और बाकी भी जा रही है हमारे साथ, तो चलिए चलते हैं। ऐसे सीट में पाकी को सामने बैठना पड़ता है और मम्मा बैठती है क्योंकि मेरे को वो रोज सामने बैठना बहुत पसंद है। बचपन से ही वो सामने बैठती है, मम्मा बैठती है पीछे, जब से वो बैठने लगी है। क्योंकि पहले तो गोदी में बैठती थी और अब बैठती है सामने। तो ये उसका, उसको पीछे नहीं बैठाते हम लोग, खुद ही अगर बैठाओ तो फिर क्या होता है, क्या होता है पाकी बैठने में सामने टकरा जाता है। नहीं, रोने लगती है। मास्क पहन रहे मम्मी, भूल गई है। अब हम मास्क पहन रहे हैं और निकल रहे हैं। आगे साउंड भी रखा है। बस ऐसे ही रूटते मनाते हम लोग पहुंच गए हमारी वो जो शॉप थी जहाँ से हमको सामान, पहले तो सोचा था वहीं डाइन इन करेंगे, बट फिर सोचा नहीं घर में ले जाके खाते हैं। हाँ, तो ये है यहाँ पे मेनू देख रहे हैं अभी हम लोग। पिज़्ज़ा, पास्ता खाएँ। जब से ये कोरोना आया ना तब से हम लोग कहीं गए नहीं, पाकी का तो कहीं लेके भी नहीं जाते। आज बहुत, मतलब कह सकते हैं कि 1.5-2 साल बाद पाकी आई है। ये वही जगह जहाँ हम लोग अक्सर पहले आते थे, घर के बहुत ही पास में है। और इनके एम्बियंस भी बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं कितना कलरफुल डेकोरेशन है। और बस बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हम लोग टेक अवे का वेट कर रहे हैं। और जब हम पहुंचे थे ना तो वहाँ भीड़ नहीं थी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, हम वेट कर रहे थे तो लोग भी आते जा रहे थे। कई लोग तो वहीं बैठ के खाना प्रेफर कर रहे हैं, तो वहीं बैठ के खा रहे हैं। और मैं देख रही थी काफ़ी अच्छे साफ़ सफाई वगैरह चल रही थी आजू बाजू। और सुबह के टाइम थोड़ी कम भीड़ रहती है, लेकिन शाम को आओ ना तो बहुत भीड़ रहती है। लेकिन उसका भी अलग ही मज़ा है, पर आजकल वो सब तो हम अवॉइड कर रहे हैं। तो वेट कर रहे हैं अब कब हमारा टर्न आएगा। वहाँ टोकन सिस्टम है, एक बिल हमने जमा कर दिया उस हिसाब से। और ये देखिए SV लिखा है, जो कि मेरे चैनल का नाम भी है, श्रामी ब्लॉग। हमें दिखा तो पाकी ने दिखाया, तो मैंने सोचा देखो इसमें SV लिखा है। एक्चुअली शॉप का नाम वही है, शर्मा विष्णु करके कुछ है। तो अब ये बन के रेडी है, तो अब हम लोग ने लेके जा रहे हैं, अब घर की तरफ ही जाएंगे सीधे। सामान हमने लिया, हम घर जाके खाएंगे। हमने सोचा कि वहाँ बैठ के नहीं खाते हैं, मम्मी भी है ना घर पे, मम्मी तो आई नहीं है, तो हम लोग सब मिलके साथ में खाएंगे। जो किया है वो लोग घर जाके आपको दिखाएंगे। और सब बहुत खुश हैं, पहले सब हम लोग बात नहीं कर रहे थे, हम सब बात कर रहे हैं। खाना देख के सब है।
हैप्पी हो जाते हैं। सब हैप्पी, सब हैप्पी, हैप्पी और हैप्पीयर, हैप्पी हैप्पीयर, हैप्पी एज। तो घर रास्ते में जाते जाते ये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिला। हम लोग का सेकेंड डोज ड्यू है तो हमने सोचा कि पूछ लेते हैं, बट वहाँ तो कुछ काम बना नहीं, वहाँ फर्स्ट डोज ही लग रहा था। और रास्ते में ये शॉप भी मिली जो पाखी के लिए सारे उसके काम की चीज़ें रहती, तो वहाँ रुकना भी ज़रूरी था। और फिर केक यहाँ से लेते हैं हम लोग, आपको तो पता ही है इसके पहले जो बर्थडे मनाया था। तो ये वो शॉप है, आज पाखी फर्स्ट टाइम आई है तो वो देख के तो ये चाहिए वो चाहिए, उसको तो पूरी दुकान ही खरीदो भी तो भी कम है। तो कुछ कुछ खरीदा उसके लिए अलग से भी, लेकिन जो मेन था केक वो भी खरीद ही लिया। और आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज क्या कर रहे हैं, इतना बाहर घूम रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खाने की चीज़ें बस और तो कुछ नहीं। तो यही सब चल रहा है और देखिए कौन क्या कर रहा है, कौन केक काटेगा, ये सरप्राइज है। यहाँ तो ऐसा है ना कि जिसका बर्थडे होता है ना उसी को ही शॉपिंग करके अपना केक खरीद के लाना पड़ता है। कौन करेगा, बर्थडे मनाने का शौक है लेकिन लेके आएंगे तो मेरे को ही जाना पड़ रहा है, मैं ही गई सब लेके आई, कौन सी पार्टी में क्या क्या खाने का यूज़ करना है, कौन सा केक खरीदना है। तो एक इन्जॉयमेंट भी हो जाता है, पाखी को भी अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय कर रही है वो, नहीं तो वो कैसे जाती ना। तो इसीलिए मैं भी गई और सब सामान खरीद के लाए, यहाँ पे पास्ता, सैंडविच और केक तो है ही, और बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। यार मेरा थोड़ी बर्थडे, मेरा थोड़ी बर्थडे थोड़ी है, मेरा बर्थडे थोड़ी है। देखो पास्ता, सैंडविच, केचप, ये 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 जो है ना ये टोमेटो चीज पास्ता है, पाखी का फेवरेट, उसको बहुत पसंद है तो उसने अपने लिए ही खरीदा ये। और दूसरा जो पास्ता है ये हॉट गार्लिक पास्ता, ये हम लोग ने अपने लिए खरीदा है। और सैंडविच भी दो प्रकार के लिए हैं, एक नॉर्मल सैंडविचेस हैं और पाखी के लिए चीज़ वाला सैंडविच लिया। हम लोग ने अवॉइड किया, बहुत ज़्यादा चीज़ ही नहीं खाते हम लोग, तो बस इंजॉय कर रहे हैं। बस थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर ये देखिए शाम के टाइम अब हम लोग फिर निकल गए। और इतने डेकोरेशन था ना सब जगह, और पाखी ने एक फ्लैग भी खरीदा हमने रास्ते से, ये देखिए कुछ लोग बेच रहे थे।
तो ये है इंडिपेंडेंस डे के पहले वाली नाइट, और इसीलिए बहुत सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं हमारा पूरा शहर जगमगा रहा था। इतनी रोशनी तो मैंने दूसरे त्योहारों में भी नहीं देखी जितनी रोशनी इस टाइम मुझे दिखी। इतना अच्छा लग रहा था। और अगर आप लोग के शहर में भी इस तरह का डेकोरेशन हुआ होगा तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इतना अच्छा लग रहा था, मतलब दोनों मौके हो गए ना। मेरा बर्थडे एक्चुअली मनाया गया, आज ही मना लिया क्योंकि 16 अगस्त को रहता है, और आज ही मनाया तो इसी के दौरान ये इंडिपेंडेंस डे की उसके पहले का जो नाइट होता है वो इस तरह से सजाया जाता, तो बहुत ही मतलब एक पूरा सेलिब्रेशन का माहौल था। मेरा बर्थडे प्लस ये इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन होता है ये दोनों मिला के तो मेरा बर्थडे ग्रैंड हो गया एक्चुअली। तो इस तरह से हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, और आप मेरे साथ शेयर करिएगा कि आप कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। ये ऑस्पिशियस डे 15 अगस्त का तो ऑस्पिशियस डे होता ही है, प्लस मेरा बर्थडे भी आ गया, तो इस तरह से मतलब मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोग किस तरह से इंजॉय करते हो। तो हम एक्चुअली दूसरे काम से निकले थे पर हमने पूरे अपने जो सिटी का भी एक पूरा राउंड मार लिया क्योंकि देखा इतना अच्छा डेकोरेशन था, पाकी को भी दिखाना था। बाहर से आके पाकी कितने अच्छे से पैर धो रही है, फिर हैंड वॉश भी करेगी ना, है ना। तो फ्रेंड्स हम वापस आ गए हैं और आज का दिन बहुत हमने एंजॉय किया और बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो इसके पहले हमने नहीं देखी थी। इंडिपेंडेंस डे है कल, उसके पहले का जो डेकोरेशन होता है बहुत सारी बिल्डिंग्स में वो हमने देखा। वो मैं आपका लिंक मैं नीचे दे दे रही हूँ, इंस्टाग्राम की लिंक है ये, उसमें जाइए उसमें देखिए। बहुत अच्छी डेकोरेशन की फोटो है जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं सबकी, मैंने भी आज पहली बार ही देखा है ये। तो फ्रेंड्स पाकी आ गई है अपना सब फेस वॉश हैंड वॉश करके, अभी चेंज करेगी, मैं भी चेंज कर रही हूँ। उसके पहले मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग मैं यहीं रखती हूँ, यहीं तक रखती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी।